मथुरा लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी के उम्मीदवार हेमा मालिनी ने अपनी जीत का दावा किया। ये भी कहा कि इस बार उत्तर प्रदेश में 80 में से 80 सीटें हमें मिलनी चाहिए। मैं सभी मतदाताओं से वोट करने की अपील करती हूं, ये बात उन्होंने कही। बांके बिहारी मंदिर का कॉरिडोर बनाने का काम जल्द शुरू हो जाएगा, ये भी जानकारी दी गई। बहुत कुछ काम किया फॉर विच मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ, और बहुत करना है इसके लिए। यहाँ पर और 5 साल मुझे मिला है, मेरा सौभाग्य है मिला है मुझे। प्रधानमंत्री जी ने सब ये दिया है वापस, अमित शाह जी ने, नड्डा जी ने, योगी जी ने, उन सबके साथ होने की वजह से मैं बहुत अच्छा डेवलप कर दिया है अभी तक। अभी बाकी कुछ है, लाइक 84 कोस परिक्रमा, यमुना का शुद्धिकरण, गर्ल्स एजुकेशन के लिए कुछ सेंटर्स बनाने हैं, प्लस कल्चरल एक्टिविटीज के लिए यहाँ पर बहुत अच्छा थिएटर वगैरह बन गया है, उसका स्टार्ट करने का आरंभ होगा। तो हमेशा देयर विल बी लॉट ऑफ कल्चरल एक्ट अलोंग विथ भगवान का दर्शन, मंदिर में जाएंगे साथ साथ में, इवनिंग्स दे विल हैव प्लेजर ऑफ वॉचिंग ब्यूटिफुल शोज। और उत्तर प्रदेश में आप कितने सीटों की उम्मीद कर रहे हैं? क्या पिछली बार जितनी भाजपा जीती थी 80 में, क्या उससे भी ज्यादा नंबर इस बार आने की उम्मीद? 80 का 80 इस बार सोच रखा है सबने, पूरा 80 का 80 सीट मिलने जा रहे हैं, मिलना चाहिए। और जिस सेकंड फेज में वोटिंग जो होने जा रहा है 26 तारीख को, उसमें आपके यहाँ भी वोटिंग होना है, मथुरा में 8 सीटों पर मतदान होना है, उसमें कितने सीटों पर आप उम्मीद कर रहे हैं कि आपकी पार्टी जीतेगी? हमारी पार्टी तो कह रही है कि हम आपको 5 लाख 6 लाख 7 लाख तक बोल रहे हैं हम जीतेंगे बहुत अच्छी से, जो पहले से भी ज्यादा मतों से जीते तो वेरी नाइस, बट आई रिक्वेस्ट ऑल द पब्लिक टू गो ऑन वोट जरूर 26 को भी हो। ये पूरा इलेक्शन जो कर रहे हैं उसमें सब लोग भाग लीजिए, पूरा हिंदुस्तान के लोगों से मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ जाकर जरूर वोट दीजिए, ताकि जो प्रत्याशी हैं उनका एटलीस्ट एक मिलेगा परसेंटेज आपकी वजह से मिलेगा, आपका एक एक वोट बहुत ही